मैनू कोई समझ आ रहा सी, कहिंदा भोले होण दा तां हुण जमाना ही नहीं रहा, सानू चलाक अते चुस्त होना चाहीदा। कोई समा सी जद चंगे बंदे दी तुलना गऊ नाल सी करदे, कहिंदा अजकल गऊ नहीं सगों बंदा लूंबड़ वांगू चलाक ही होना चाहीदा। फिर मैनू पुछदा तुहाडी इस बाबत की राय है। मैं कहा भरावा तुहाडी सोच मुताबिक शायद मैं ना रला, पर मैनू सच पुछे तां जचिया नहीं मैनू इह तेरियां दोवें गल्लां। बंदा जे गऊ वर्गा हो तां उहदी कमजोरी करके जमाने ने लुट के खा जाणा, पर जे बंदा लूंबड़ वर्गा हो तां उहदी चलाक बेईमानी ने जमाने नू लुट के खा जाणा। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਭੋਲੇ ਪਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਊ ਬਣ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिहड़े समाज नू अगे ले जा इमानदारी नाल भरी बहादुरी दी मिसाल पेश करनगे। वीडियो शुरू करन तों पहला बस एक मिनट दी गल, आ अपना स्कैड्यूल है भावें दे स्क्रीन शॉट रह के रख लियो तुसीं। सोमवार ते बुध मंगलवार आपां प्लस वन अकाउंटेंसी कराने आ शामी सही 5 बजे, बिल्कुल सही। बुधवार नूं 10th इकनोमिक्स पंजाब बोर्ड वाले वास्ते, ते वीरवार नूं 10th इकनोमिक्स CBSE वाले वास्ते, शुक्रवार शनिवार 10वीं दा मैथ, ठीक है जी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0। अज आपां कंटिन्यू कर रहे हैं, मंगलवार शाम नूं 5 बजे ने अकाउंटेंसी करांगे जी आपां, ते बस फस्ट चैप्टर आपां कंटिन्यू कर रहे हैं, उस चैप्टर नाले खत्म होण वाला है। अज लास्ट वाले 4 टॉपिक करांगे आपां, जिहड़ा कि सीगा अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन्स दीआं टाइप्स, एक सीगा क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े तुहानूं अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन च मिलदे ने, तीजा हैगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ते चौथा हैगा जी भुल गया मैं, नहीं मजाक करदा, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम है ते डबल एंट्री सिस्टम है, ते आ लो जी वीडियो। अपने को टॉपिक है अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन। जो आप कहने भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग दी किस तरह की इनफॉर्मेशन थानू मिलती है, 3 तरह की इनफॉर्मेशन मिलती है मेनली। प्रॉफिट और सरप्लस ना रिगार्डिंग, कि फायदा हो रहा थानू या कि नुकसान भी हो रहे उस ना रिगार्डिंग इनफॉर्मेशन। कैश फ्लो, पैसा किन्ना जा रहा है तो पैसा किन्ना आ रहा है तुहानू ये पता लग जाएगा। अगे फाइनैशियल पोजिशन, फाइनैशियल पोजिशन थोड़ी कह जी है मेनली। देखो अगर मोटे तौर पर गल करा मैं, फाइनैशियल पोजिशन क्या होंगी है कि तुहाडे को प्रॉपर्टी किन्नी है, तुहाडे को किन्ने एसेट्स हैं, तो थोड़ा लोगों नू तुहानू मतलब तुसीं किन्ना क देना रहिंदा, तुहाडा देनदारियां लाइबिलिटीज बोलते हैं कि तुसी लोकां दा किन्ना पैसा देना रहिंदा तुहाडा, ठीक है जी। तुसी किन्ना लोकां दा पैसा देना है वह चीज़ की सारी रिकॉर्डिंग जिहड़ी है वह सारा कुछ इस च पता लग जाएगा तुहानू। तुहाडी आपदी प्रॉपर्टी किन्नी है ते तुसी लोकां दे किन्ने उधार चुकाउणे ने वह सारे इस च ने। तां मेनली आ 3 तरह की इनफॉर्मेशन मिलती है अकाउंट्स अकाउंटिंग प्रोसैस, ठीक है। इस तों बाद देखो आपां गल कर सकते हैं क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स विशेषतावां होंदियां ने, आपां इत्थे गल कर रहे हैं क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े एक्चुअली क्वालिटी दिखाणगे अकाउंटिंग दे विच। अगर वो करैक्टरिस्टिक्स ना होन तां क्वालिटी तुसीं ये मान लो भी है नहीं गी, लो है। तो सब तो पहला हैगा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीनस भरोसे योग्यता। अकाउंटिंग दा जिहड़ा डेटा है वह रिलायबल होना चाहिए, ठीक है जी। इनफॉर्मेशन है जी रिलायबल होनी चाहिए, ता ही मनिया जाएगा कि भी क्वालिटी उत्ते हैगी, रिलायबल होनी चाहिए इनफॉर्मेशन। भरोसेमंद, भरोसेमंद का मतलब ये लगा लो फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है, मतलब
कोई किसी ने अपने जान बुझ के गलत मल तरीके ना या अपने फायदे वास्ते अकाउंटिंग ना की हो, ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। पूरी ईमानदारी ना होकर काम होना चाहिए। दूजा है रेलीवेंस, डेटा शुड बी रेलीवेंट। सपोज करो एक मैनेजर पूछ रहा है भी प्रॉफिट किमें चल रहे हैं, तो बंदा दस दे भी प्रॉफिट बहुत वे चल रहे हैं, पर वह जो रिकॉर्ड दसे वह हो पिछले महीने का, फिर काम गलत हो गया ना। असल जो अगर भार लिया वो सामने वाला बंदा कह रहा है भी मैंने तो करंट रिकॉर्ड दे, करंट रिकॉर्ड मीनस मैंने हूँ दे रिकॉर्ड दस, तो जे वह बंदा पिछले दस रहा है इट मीनस जो डेटा दे रहा है वह रेलीवेंट नहीं है। वो रेलीवेंट का मतलब मेरे काम का डेटा है कि नहीं है, उस रेलीवेंसी कि नहीं क्या। तो रेलीवेंट डेटा तो होएगा कि वह अगर मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसैस हैल्प करेगा, तो अकाउंटिंग जी है वह इनफॉर्मेशन रेलीवेंट तो होएगी। देखो जो रेलीवेंट होएगी तो मने जाएगा कि क्वालिटी वधिया है, इनफॉर्मेशन इन्नी होनी चाहिए है, इस हिसाब की होनी चाहिए है ताकि तुसी डिसीजन अपने प्रोपरली ले सको। अगे है कंपेरेबिलिटी, इनफॉर्मेशन इस हिसाब की होनी चाहिए कि तुसी कंपेयर कर सको। हम कंपेयर किवें करना, कंपेयर करने दो तरीके ने, एक होंदा है इंटर फर्म, एक होंदा जी इंटरा फर्म। इंटर फर्म का मतलब है कि आप अपनी फर्म नू किसी होर दी फर्म नाल कंपेयर कर रहे हैं, या लगा लो एक फर्म नू दूजी फर्म नाल कंपेयर करना, वो इंटर फर्म है। इंटरा फर्म की है कि आप अपनी फर्म नू अपने नाल कंपेयर कर रहे हैं, बट टाइमिंग अलग अलग है। जिवें मैं देखा भी मैंने इस साल किन्ना प्रॉफिट होया, पिछले साल किन्ना सीगा, उदो पिछले साल किन्ना सीगा। यह इंटर फर्म की है कि मैं देखा भी मैनू कि प्रॉफिट होया, तो मेरे नाल दी नूं कि प्रॉफिट होया जिहड़ा मेरा गुआंढी फर्म खोल के बैठा। तो कंपेरेबिलिटी होनी जरूरी है। लास्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंफॉर्मेशन इस हिसाब ना कलैक्ट करनी है, अकाउंटिंग प्रोसैस इस हिसाब ना करना है ताकि वह अंडरस्टूड हो, जिहड़ा यूजर जिहदे कोल इंफॉर्मेशन पहुँच रही है उन्हों समझ आ जाए, ठीक है भी की हो रहा उत्थे अकाउंटिंग। टॉपिक अपना हैगा हुण जी ओह यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बड़ा सिंपल तो प्यारा जहा टॉपिक है। आप किन्नी देर तो रौला पाते आ रहे हैं कि लास्ट में इदा हों कि जोड़े अकाउंटिंग प्रोसैस जो खत्म होंगी है लगभग लास्ट वाला यह हिसाब होंगे कि कम्यूनीकेट किया जाता है रिजल्ट अकाउंटिंग प्रोसैस के, तो कम्यूनीकेट किया जाता यूजर्स रिजल्ट आप यूजर्स दें। तो यूजर्स कहड़े ने आप उन्होंने बारे गल कर लगे हैं। सब तो पहला आप दस दिए कि यूजर्स अपने को दो हिस्सों में वंडे पे ने, एक है इंटरनल दूजे है एक्सटरनल, अंदर दे ते बाहर दे, अंदर वाले कहड़े ने ते बाहर वाले कहड़े ने, जरा गौर करो। इंटरनल ओनर अपना, ये वो बंदा जो सब तो मतलब वड्डा रिस्क लैंदा बिजनेस शुरू करके, तो इनू चिंता होंदी है प्रॉफिट्स दी, तो यही सब तो वड्डा पर की है मेन है सब तो पहला बंदा जो कहता भी दिखाओ भाई प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, इन्हें यह देखना होंगे। अगे हैगी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से डिसीजन लेने होंगे ने बहुत सारे, खर्च ना रिलेटिड, इनकम ना रिलेटिड, फंड्स ना रिलेटिड, बहुत सारे अजीब गरीब बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे ने, तो वह डिसीजन भी ता ही ले जा सकते हैं अगर इन्हों को प्रोपर इनफॉर्मेशन हो, इनफॉर्मेशन इन्होंने को जाती है, ठीक है। अगे है जी इंपलॉइज एंड वर्कर्स, वैसे तो देखो इंपलॉइज से वर्कर्स बहुता पंगा नहीं लेंदे फर्म दे अकाउंटिंग नाल, बट उन्होंने सिर्फ इन्ना क चौ होंगे कि साड़ी सैलरी बधू कि नहीं बधू, सानू इनक्रीमेंट मिलू कि नहीं मिलू, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि हाँ भाई बिजनेस वधे चल रहा है तो थोड़ा जहा इन्होंने भी हो जाएगा भी हाँ सैलरी इन्हों की इनक्रीमेंट हो रही है बिजनेस के, बिजनेस अगर एक्सपैंड हो रहा है बिजनेस वधिया वध रहा है तो इन्हों की भी सैलरी दे फायदा होएगा या इन्हों होर बेनीफिट्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। अगे है कि देखो ये तो अपने अंदरले तिने अपने अंदरले बंदे से, बाहरले बंदे कहड़े ने, सब तो पहला बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तुसी लोन लैन जाओ वो तुहानू कदे लोन नहीं देंगे बिना इनफॉर्मेशन दे, तुहाडी इनफॉर्मेशन पहला पूरा कच चिट्ठा कढ़णगे भी भाई तुसी कौन हो, की तुसी काम करदे हो, किन्नियां ट्रांजैक्शन हो रही ने, किन्ने रुपया का काम करते हो, की डील कि बहुत सारे गल्लां उपाल देने देखना, क्यों नॉर्मली आप बैंक को जाने पैसे मंगने वास्ते लोन वगैरह लैन वास्ते,
बिजनेसमैन का ये तो चलो बहुत नॉर्मल जहा फंडा है कि उसने लोन लैके ही काम करने ने, किसी के प्यो की इन्नी प्रॉपर्टी नहीं होंगी। बहुत रेयर चांस होंगे ने कि इंसेस्टर प्रॉपर्टीज अपने को इन इन्नी होवे कि आप काम सार लिए अपना। 90% 95% लगा लो केसिस जिन्हें तो वे वे बिजनेसमैन नज़र आ रहे हैं वो इस तरीके अगे बढ़ने करजा लैके पैसे लैके पैसे चंगे थावे ला के फिर पैसे कमा के फिर उधरों रिटर्न उधरों भी उन्होंने पे करी आते हैं तो अपनी भी कमाई करी आते हैं। ठीक है जी, अगे है इन्वेस्टर्स ये वो बंदे ने जिहड़े तुहाडी फर्म दे विच पैसा लगाउणगे जी। ठीक है, हुण वो बंदे जे पैसा लाउणगे इन्वेस्ट करनगे पैसा तो ओबवियसली वो पालणगे देखणगे कि भाई तुसी कमा भी रहे हो, भी मतलब तुसी उन्हां दे पैसे मोड़न जोगे हैगे हो, तुसी उन्हां नूं पैसे दे रिटर्न। जिवें सपोज करो मेरा काम वधिया चल रहा है, मैं अपने दोस्त नूं कहा भी यार 10 लाख तूं ला दे, 10 लाख मैं लाया होया, अपना अद्धा का प्रॉफिट हो जूगा। हुण वो पहला तो यही देखूगा भी प्रॉफिट है किन्ना, ता ही पैसे दऊ, नहीं वह दिमाग खराब थोड़ी है फिर पैसे ला दूंगा मैं अखा मिच के। तो इन्वेस्टर्स भी भालते हैं देखना भी इनफॉर्मेशन की चल रहा है अकाउंटिंग। अगे क्रेडिटर्स ने, क्रेडिटर्स वो बंदे जिहड़े तुहानू पैसा उधारा देणगे, इन्वेस्टर्स वो होंगे ने जिहड़े पैसे लगाउंदे ने तुहाडे बिजनेस च, क्रेडिटर्स वो जिहड़े उधारा देणगे। उधारा देणगे का मतलब सीधा जिहा है कि आपां उहनां नूं उन्हों का पैसा 4 साल 5 साल नॉर्मली क्रेडिटर्स वैसे 1 साल दे हुंदे ने तो उन्होंने वो उन्होंने पैसा आप दे देने होंने। ठीक है, छे तो छेती। तो हुण देखो क्रेडिटर्स भी वह भी देखो मतलब सपोज करो मैं किसी उधारा समान खरीदना, जो मैं किसी तो 10 हज़ार का समान खरीदूँगा तो मैं उसनों उस वाले पैसे नहीं दते तो वह बंदा मेरा क्रेडिटर है। ठीक है जी, अगर मैंने सपोज करो अमन तो पैसे अमन तो समान खरीदया, जब मैंने अमन तो समान खरीदया मैं कहा अमन यार मेरे को पैसे नहीं है, उन्हें कहा भी चल कोई गल नहीं दे दी बाद। हुण वो मेरे हिसाब न मेरे वास्ते अमन क्रेडिटर है क्योंकि मैं उसनों पैसे देने ने। हुण तुसीं देखो तुहानू कोई बंदा समान दे रहा उधारा वह भी यही दे के दूगा कि तुसीं कमाई वधिया कर रहे हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि उहदा पैसा डुब जाए। अगे सरकार है जी, गवर्नमेंट तो होर ऑफिशियल अथॉरिटीज़ काफ़ी होंदिया ने टैक्स के मामले के होर सरकारी कामकाज कई बार बहुत कुछ होता है तो सरकार भी थोड़े रिकॉर्ड देखना चाहेगी। अगे रिसर्चर्स होंगे ने कुछ रिसर्च करते बैठे होंगे ने, स्टूडेंट्स होंगे ने जोड़े रिसर्च करते रहते हैं अलग अलग कंपनीज के उत्ते अलग अलग उन्होंने प्रोजेक्ट मिलते होंगे ने तो उन्होंने इनफॉर्मेशन चाहिए होंगी है तो वह इनफॉर्मेशन आपको देनी पेगी उन्होंने। अगे कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स अपने कंज्यूमर सिंपल जो तो कंज्यूमर देखना चाहता है कि इन्होंने लोगों को बिजनेस किमें चल रहा है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी किमें रख रहे हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी गल्ल। तो कंज्यूमर ठीक है जी, उसनों भी इनफॉर्मेशन चाहिए होएगी। लास्ट है पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक भावें साड़ी कंज्यूमर वो किन्ने ने किन्ने नहीं ने यह मैटर नहीं करता। आम पब्लिक जी है वह काफ़ी कुछ देखना चाहती है कि फलाना जो बिजनेस चल रहा है वो हालात किदा देने। ठीक है जी, वह इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है सोसायटी के ओदे नाल साड़ी सोसाइटी कुछ फायदे हो रहे हैं या कुछ नुकसान तो नहीं हो रहे, बहुत सारे टेढ़े बिंगे गल् है तो वह पब्लिक देखना चाहेगी। तो फिलहाल की कड़ी मैं समझाया इंटरनल यूजर एक्सटरनल यूजर दो तरह के ने। ठीक है, अगला टॉपिक सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखो क्या चीज़ है, अपने को दो सिस्टम ने सिंगल एंट्री ते डबल एंट्री। इसको समझाने तो पहला एक चीज़ समझो जरा ध्यान नाल बड़े प्यार नाल। देखो गल इदा है जो आप कुछ लगा लो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज करो मैं समान बेचा, मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो मैं ये मार्कर वेच दिता, किसी मैंने मार्कर किसी वेच दिता, जो मैं मार्कर वेचा ये मार्कर मेरे तो हथों गया तो मार्कर के बदले मैं पैसे मिले। हरेक ट्रांजैक्शन के दो आस्पैक्ट होंगे ने, दो हिस्से तुसी कह सकते हो, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा भी, सिंपल जी गल है ना, मुफ्त तो नहीं आप कुछ देन लगे, ओबियस है। देखो समझने की कोशिश करो, आप समान बेच दिता तो वो बदले अपन पैसे मिल गए, चलो पैसे तो भावें ला लो पैसे भी ना मिले हो,
घट्टो घट आप उस बंदा नाम तो याद रखांगे, लिख के रखांगे भी उस तो पैसे लेने ने, ठीक है जी। जो आप खरीदते हैं कुछ उदो भी ही काम होंगे, मैंने मार्कर खरीदया मैं उसके बदले पैसे दे दते। हरेक ट्रांजैक्शन दे, मैं दोबारा कह रहा हरेक ट्रांजैक्शन दे दो आस्पैक्ट होंगे ही होंगे ने। गल इन्नी है कि अपना जो सिस्टम है वह हैगा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। मेन जो अकाउंटिंग का सिस्टम है जो आप सीखना, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, यही गल कि हरेक ट्रांजैक्शन दे दो आस्पैक्ट होंगे ने, तो दोनों आप रिकॉर्ड करांगे, दोनों रिकॉर्ड करांगे डबल एंट्री सिस्टम दे विच। एक आस्पैक्ट नूं आपां डेबिट करांगे, डेबिट साइड ते लिखांगे, मतलब दूजे नूं आपां क्रेडिट साइड ते लिखांगे। हुण किसनूं डेबिट किसनूं क्रेडिट, ये तक बात दूर दी गल्लां ने समझाउण वालियां, पर मैं सिर्फ इन्ना समझा रहा कि दो अलग अलग कॉलम होणगे दोनों आस्पैक्ट लिखण वास्ते। डेबिट एक साइड है, क्रेडिट दूजी साइड है उसदे। तो फिर आ की है जब मैं कह रहा कि दो आस्पैक्ट होंगे ने हमेशा, फिर आ कितों आ गया। नॉर्मली क्या है, जो तुम आम दुकानदार देखोगे तो वह आ वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या सीन है, कहिंदे इनू इनकंप्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इनू कंप्लीट रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इसनों आप बोलते हाँ भी ये कंप्लीट रिकॉर्ड ने, ठीक है। मैं कह रहा सी ये कंप्लीट रिकॉर्ड होंगे ने, ये अन इनकंप्लीट रिकॉर्ड ने। इनकंप्लीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही ट्रांजैक्शन्स होंगे ने जिन्हों में आप दोनों आस्पैक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। बहुतिया के आप करते हैं सिर्फ एक आस्पैक्ट रिकॉर्ड करके रख लें, तो कदे कदे तो करते ही नहीं। जिम्मे तुम मैं दसा गल समझ के देखो, जो आप कोई समान उधारा खरीदे, दुकानदार ने समान उधारा खरीदे, तो वह दोनों गलों ध्यान रखूगा कि समान कि आया तो समान किस तो आया, क्योंकि देखो समान कि आया इस तरह उन्हें ध्यान रखना, ठीक है ना, रिकॉर्ड करके रखूगा। दूजी गल भी रिकॉर्ड करूँगा भी किस तो आया, क्योंकि कल न उस बंद पैसे भी देने ने। हुण सिंगल रिकॉर्ड का की हिसाब होंगे, जो आप एक पासे वन आस्पैक्ट रिकॉर्ड करते हैं वह हिसाब हो जाता। सपोज करो मेरे तो कोई बंदा समान मैं किस मतलब मैं वेच दिता समान किसी, जो मैं किसी समान वेचिया मैं ये नहीं देखा भी मेरा किड़ा समान बिक गया, मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड किया भी वह बंदा नाम की सगा, क्योंकि वह बंदा मेरे तो समान उधारा लै गया, बस आ चीज़ रिकॉर्ड कर ली। बहुत ही चीज़ें कई बार होंगे रिकॉर्ड भी नहीं कितने आदि, किमें जिमें कि तुम शायद देखा होना कि बहुत दुकानदार ने जो आप तो समान कैश लेके आईए उन्होंने पैसे दे आईए तो समान ले आईए, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग ही नहीं करते, बिच छड़ समान गया पैसे आए गल खत्म, की लोड़ है रिकॉर्डिंग करन दी। ता हरेक दा अपना अपना हिसाब है, पर मैं दस रहा कि आप नहीं करना, आप सीखांगे, पर दोनों सिस्टम इंपोर्टेंट ने अपने वास्ते, आप बारे भी डिटेल च सीखांगे भी ये चीज़ है कि इसनों ये कन्वर्ट करना ये भी सीखांगे, तो बहुत कुछ है सीखने को, ठीक है जी। तो इस वीडियो बस इन्ना कु ही, मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के वीडियो तुम्हें किमें लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके दस्यो जी। बाकी साड़िया होर वीडियोज़ के लिंक तुम इतने मिल जाएंगे, सबसक्राइब जरूर कर लियो, वध तो वध प्लीज़ चैनल में शेयर करो। तो अगर तुम मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे पेटीएम नंबर दिता हुआ है। चंगा जी, सत श्री अकाल।